रन खर्च किए, 5 रन निकल गया फेवर में एरन खान ने और मुकाबला पहुंच गया सुपर ओवर में, जहां पर अब नामीबिया ने पहले बैटिंग की और 6 गेंदों में 21 रन बनाए। अब ओमान को अगर ये मैच जीतना है तो सुपर ओवर में 22 रन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल 22 रन बनाने पड़ेंगे। अखिल आपको लगता नहीं कि मेरन खान को ये ओवर का जो पहला ओवर था कहीं ना कहीं गलती हुई है वहां पे, क्योंकि जब आपको पता है कि वो अच्छी लय में है और काफी अच्छी गेंदबाजी की तरह मैच उन्होंने ही बनाया था कि लास्ट ओवर में मैच को जिताया था, यहाँ पर अगर जीतती है ओमान तो अदरवाइज तो मैच का रुख पलटा था यहाँ पर मेरन खान ने, तो आपको मेरन खान से ही गेंदबाजी करानी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला बल्लेबाज भी प्रेशर में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आपको पता है गेंदबाजी करना बहुत ही टफ कंडीशन हो जाती है किसी भी गेंदबाज के लिए। शायद अगर यहाँ से अगर मैच जीती भी है नामीबिया तो फिर भी यहाँ पर नाम होगा ओमान का, क्योंकि जिस तरीके से कमबैक किया है बिल्कुल तारीफ होगी। और यहाँ पर मेरन खान ने 3 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओमान की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। इसके अलावा बहुत बड़ा स्कोर था इसको चेज ना कर पाया नामीबिया, लेकिन फिर भी ये मैच सुपर ओवर में गया और पहला सुपर ओवर ही खेला जा रहा है और देखिए किसकी जीत होती है। अभी फिलहाल दोनों बल्लेबाज एक आउट भी हो चुके हैं, एक आउट भी हो चुके हैं। डेविड विजय ने विकेट भी लिया है, क्लीन बोल्ड किया है। उम्मीद थी कि नामीबिया जीत लेगा मैच, सुपर ओवर में जाके जीते हैं, लेकिन तारीफ बनती है ओमान की, खास तौर पर मेहरन खान की। इस टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक है, सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। 3 ओवर में केवल 7 रन कंसीड किए, 2.30 की 3 बड़े विकेट इनके खाते में है। 5 रन डिफेंड किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नामीबिया बड़ी आसानी से मैच जीत रहा था, लग रहा था कि ओमान की पहली वर्ल्ड कप मैच है, ओमान का पूरी तरीके से हारेंगे, लेकिन अपने पहले ही मैच में उन्होंने दिखाया कि इस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 5 रन डिफेंड किए, 3-2 विकेट भी लिए और मुकाबला सुपर ओवर में खेला जा रहा है, जहां पे ओमान को 3 बॉलों में 20 रन बनाने हैं। मुश्किल ही है, मुश्किल क्या मतलब, बात तो नामुमकिन ही है क्योंकि ये मैच जो है वो जीता हुआ मैच था और कहीं ना कहीं फिर भी ओमान जो था वो पहले थोड़ी सी बल्लेबाजी कर लेता शायद तो सारे विकेट्स गिरी गए थे। 109 यहाँ पर बनाए थे ओमान की टीम ने और 110 का यहाँ पर टारगेट था, लेकिन वही है सुपर ओवर तक मैच गया और मेरन खान ने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि वही चीजें होती है ना, सुपर ओवर हम काफी टाइम से वेट करते हैं सुपर ओवर कब आएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप में पहला सुपर ओवर आ चुका है और वहां से चीजें तस्वीर जो है थोड़ी सी क्लियर भी हो गई है कि ओमान की टीम ने कमबैक काफी अच्छा किया है। हालांकि तारीफ जो है वो अखिल बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने, क्योंकि लास्ट ओवर में आपको पता होता है कि मैच जो है वो या फिर आपकी पिटाई होगी या फिर आप विकेट से लेंगे, तो वहां पर ओमान की टीम ने कमबैक किया है। ऐसे हम कल भी देख रहे थे कि पापुआ न्यू गिनी को भी थोड़ा हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन वो मैच भी लास्ट ओवर तक गया, 19 ओवर तक मैच गया और वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम के सामने कहते हैं ना कि बहुत छोटी टीम मानी जा रही थी, लेकिन इस टीम ने भी अपने आप को प्रूव किया है कि हमारी बाजुओं में भी दम है और हम भी कमबैक कर सकते हैं। बिल्कुल, और T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये केवल 4th सुपर ओवर मुकाबला खेला जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे पहला सुपर ओवर खेला गया था 2007 के पहले वर्ल्ड कप में, इंडिया पाकिस्तान, ये वो वाला सुपर ओवर था जहां पे बॉल आउट के तहत टीम इंडिया ने मैच जीता था। उसके बाद साल 2012 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया श्रीलंका में, दूसरा सुपर ओवर मैच हुआ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, फिर उसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच भी एक सुपर ओवर हुआ और अब 2022 में वर्ल्ड कप T20 में 4th सुपर ओवर का मैच है नामीबिया और ओमान का, जिसको नामीबिया ने जीत लिया है। बिल्कुल जीत लिया है और एक बॉल पे 18 रन चाहिए, बहुत ही नामुमकिन सा ये लगता है, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया है ओमान की टीम ने, आई थिंक यहाँ पर मेरन खान को ही बॉल देनी चाहिए सुपर ओवर की पहली। हम कहते हैं ना कि जब आपको पता होता कि टीम जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है और वहीं से मैच जो है वो चला जाता नजर आ रहा था, तो ओमान की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया। हालांकि नामीबिया की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, नाम किया। 2 अंक नामीबिया को मिल चुके हैं, अहम 2 अंक मिले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 2 अंक मिले हैं, लेकिन तारीफ बनती है ओमान की। अगर मेहरम खान उस ओवर को करने आते शायद कुछ सिचुएशन अलग होती, प्रेशर अलग होता नामीबिया के ऊपर, वही बल्लेबाज क्रीज पर थे जो कि आखिरी ओवर में मेहरम खान को नहीं खेल पा रहे थे। अगर खान साहब बॉलिंग के लिए आते तो क्या पता ओमान शायद मैच भी जीत जाता। बिल्कुल मैच भी जीता था, लेकिन वही चीज है ना कि सुपर ओवर तक मैच को ले जाना और लास्ट ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी करना, मेरे खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बाकी के प्लेयर्स की भी बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी हालांकि फीकी नजर आई थी, सभी पहला विकेट भी गिर गया था, बहुत ही जल्द पहला विकेट गया था और यहाँ पर रुबेल ने विकेट लिया था अखिल की, पहले 2 बॉल पे 2 विकेट लिया इतिहास के, वो पहले से खिलाड़ी भी बन गए हैं और अच्छी गेंदबाजी भी करते नजर आए थे, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट भी हासिल किए, काफी अच्छा था, 5.20 का रहा है
तो टीम ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वही चीज है ना कि आपकी जो कमजोरी है वो झलक रही है कि आपकी मतलब बल्लेबाजी, आप मैच को जल्दी ही जीत सकते थे लेकिन ये मैच सुपर ओवर तक गया, तो तारीफ तो ओमान की बनती भी है। तारीफ बनती है ओमान की, आप खुद देखिए ना नामीबिया का स्कोर कैसा था, नामीबिया के सामने 110 का टारगेट था, बड़ी आसानी से टीम टारगेट की तरफ बढ़ भी रही थी। और अगर आप देखें इस टीम का चौथा विकेट 96 के स्कोर पे गिरा, उसके बाद भी इस टीम के पास एक्सपीरियंस था क्योंकि इस टीम के कई सारे प्लेयर्स लगातार T20 क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया भर के खेलते हैं, खासतौर पर डेविड भी से वो नामी ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस किया यार वो डिसअपॉइंटिंग तो रहा है। बिल्कुल रहा ही है, क्योंकि यहाँ पर जिशान की बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा सा परेशान किया है, लेकिन फिर भी बात जब आती है यहाँ पर कप्तान की तो कप्तान का बल्ला भी नहीं चला। इसके अलावा गेंदबाजी दोनों ही टीम से काफी अच्छी हुई, अखिल चाहे वो नामीबिया की बात कर लीजिए या फिर आप ओमान की बात कर लीजिए, बस वही चीज होती है कि थोड़ा सा ओमान के सलामी बल्लेबाज थे, अच्छा एक्सपीरियंस क्रिकेट खेलने का, लेकिन गोल्डन डक पे अपना विकेट गवाया, कुछ खास पारी खेल नहीं पाया। उसके बाद अगर खालिद की बात करें, खालिद ओमान के टॉप स्कोरर रहे, 39 गेंदों में 34 रनों का योगदान दिया, स्ट्राइक रेट बहुत कम, केवल एक चौका एक छक्का, मतलब T20 वर्ल्ड कप में आप वनडे वर्ल्ड कप जैसी पारी खेल रहे थे, आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। अगर बात करें हम आके बिलियास की, जो ओमान के कप्तान है वो भी गोल्डन डक पे आउट हुए, ये भी एक बड़ा झटका था ओमान की टीम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें निकोलस डेविन की, उन्होंने 31 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया। माइकल ग्रेन डेविन की बात करें, इनका भी खाता नहीं खुला, और ओमान के 7 बल्लेबाज 6 LBW आउट हुए, छह बल्लेबाज LBW आउट हुए हैं, जो की आई थिंक पहला इतिहास रिकॉर्ड भी दर्ज करेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन वही चीज है ना कि आपने आई थिंक थोड़ी सी बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी हो जाती है ओमान के, तो ये मैच जीत सकता था, लेकिन वही चीज है कि मैच सुपर ओवर तक गया, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि हम अभी बातचीत कर रहे थे, जब खबर लिख रहे थे वहां पर भी हम बातचीत कर रहे थे कि इजिली मैच जीत जाएगा, हम जल्दी से चाय पीने भी चलेंगे, लेकिन मैच जो है वो सुपर ओवर तक गया। अच्छी चीज है कि आपने अच्छा क्रिकेट खेला, हम जो छोटी टीमें होती है अखिल उसको थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट भी कर देते हैं कि अच्छी टीम नहीं है, चाहे वो कल के मैच की बात कर लीजिए, मतलब 19वें ओवर तक मैच गया, मैच में भी था, और जब 8वें 8 रन पर दूसरा विकेट मिल सकता था निकोलस पुरन का, लेकिन वहां पे LBW की अपील नहीं की क्योंकि उनको लग रहा था कि बारिश भी आने वाली है, कहीं बारिश में नाजुक कदम पर जा ना जाए, इसलिए ओमान के PNG के प्लेयर्स अंदर चले गए। वहां पे अगर वो DRS लेते तो निकोलस पुरन गोल्डन डक पे आउट होते, और वहां पे एक मौका मिलता PNG के प्लेयर्स को मैच में वापस कमबैक करने का, क्योंकि निकोलस पुरन की वो 30 रनों की पारी कहीं ना कहीं PNG को भारी पड़ी है, बिल्कुल भारी पड़ी है। और आज भी आप देख लीजिए कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, लग रहा था कि नामीबिया एक तरफा अंदाज में एक तरफा लग रहा था, जब हम देख रहे थे कि 12वें या 13वें ओवर में अच्छी बल्लेबाजी थी, विकेट नहीं गिर रहे थे, तो लग रहा था कि शायद ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वही चीज है ना कि यहाँ पर मेहरन खान आया और महफिल लूट कर चले गए। मैच वो सुपर ओवर में नहीं जीती है ओमान की टीम, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेली है, और यही चीजें होती है कि आप जब तक लास्ट बॉल नहीं डाली जाती तब तक मैच कुछ भी हो सकता है, मैच का रुख पलट भी सकता है। क्या पता आज अच्छी यहाँ पर मेहरन खान अगर सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं तो शायद ये मैच जो था वो ओमान के बिल्कुल आ सकता था। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ओ मेहरन खान बॉलिंग के रहना चाहिए था, क्योंकि नामीबिया को 110 रनों का टारगेट मिला था और टीम को आखिरी ओवर में 6 बॉल में 5 रनों की जरूरत थी, टीम के केवल 4 विकेट गिरे थे, उसके बाद लग रहा था कि नामीबिया बहुत इजीली मैच जीत जाएगा, लेकिन मेहरन खान पहली बॉल पे उन्होंने बड़ा विकेट किया, चैन फील्डिंग जो कि अर्धशतक के बेहद करीब खड़े हुए थे, 48 में 48 पॉइंट आउट हुए, 94 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके, इनको आउट किया। उसके बाद उन्होंने 2 बॉल के बाद एक और बड़ा विकेट छटकाया और केवल 4 रन लेकर 2 बड़े विकेट लिए। आखिरी बॉल पे जब 2 रन चाहिए थे डेविड बिशप के गले 1 रन भाग पाए और अपनी टीम को मेहरन खान ने मैच जिताया। आप देखिए 3 ओवर की गेंदबाजी, 7 रन, 3 विकेट, इकॉनमी 2.5 से भी कम की, बड़ी शानदार गेंदबाजी, लेकिन उसके बाद भी सुपर ओवर में ओमान के कप्तान ने इनको बॉलिंग नहीं कराई। ओमान के खुद के कप्तान की बात करें तो इस मैच में गोल्डन डक पे आउट हुए जनाब, आउट भी उन्हें लगा था शायद एक्सपीरियंस मैटर करता है बिलाल को, उन्होंने इसीलिए शायद बॉलिंग कराई कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन बिलाल वो फैसला ओमान के लिए इकलौते से गेंदबाज जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक लगाया है, 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं, एक्सपीरियंस के पास गए, लेकिन वो ये ना किस दिन किस टाइम की बात की और किस दिन किस प्लेयर का दिन है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए, आज दिन मेहरन खान का था बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि वो बिल्कुल ही फॉर्म में थे, और जब आपको पता है कि सामने वाले बैट्समैन भी कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए नजर आते, सहमे नजर आए थे, और मैच जब जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि
गेंदबाजी फॉर्म वाले ही गेंदबाज के 3 विकेट हासिल किए थे उन्होंने 7 रन देकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला था कप्तान का आखिर का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, तो पहला मैच और आगे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी टीम। लेकिन वही चीज है, अच्छा कमबैक किया था, बहुत अच्छा कमबैक किया था, सुपर ओवर तक मैच किया, और वही चीजें होती है ना कि हम छोटी टीम को थोड़ी सी नजर मैच भी कर देते कि शायद चलिए ठीक है ये मैच जो है वो बहुत छोटा स्कोर है इजिली जीत जाएगी, लेकिन वही चीजें होती है ना कि वहां पर भी किस तरीके से लास्ट बल्लेबाजी आप कैसे कर सकते हैं और गेंदबाजी कैसे करते हैं ये मैच होती है, और आज मजा आया मैच। चलिए नामीबिया ने तो वर्ल्ड कप का खाता खोल लिया, सुपर ओवर में मिली एक रोमांचक जीत के साथ नामीबिया को मिल गए हैं। अगला मुकाबला इस टीम का 6 जून को होगा स्कॉटलैंड के साथ। ओमान की बात करें तो उन्होंने क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेला, बल्लेबाजी अगर और थोड़ी अच्छी होती तो क्या पता मैच भी जीत जाते। अब ये टीम भी अपना मैच 6 जून को खेलेगी, लेकिन इनका मैच होगा 2022-23 के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये भी एक बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन आज एक दूसरा बड़ा मैच और होगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पे इंडिया ने वॉर्म अप मैच भी खेला था, और इस वर्ल्ड कप का शायद ही सबसे बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि अभी तक एसोसिएशन नेशन के लिए मैच देखे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला आज शाम को होगा। बिल्कुल आज शाम को होगा, और देखने वाले मैच में बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो हमने देखा भी है कि आईपीएल में भी थे और बहुत सारे खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, चाहे वो हेनरी क्लासन की बात हो, अब देखिए जब T20 की बात आती है वहां पर किस तरीके से दोनों टीमें प्रदर्शन करती है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका।